चलिए सर, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं जो भी आपका कंटेंट है, योर शेप्स। सर यही है, स्पेल चेक कर लीजिए एक बार। नो सर, YOUR, योर शेप। YOUR, यस, ओनली शेप सर, एस एस नहीं सर, लास्ट में। चलिए बहुत बढ़िया सर। देखिए पहले से यहाँ पे योर शेफ नाम से नोएडा में कोई, दिल्ली मतलब एनसीआर में कोई अवेलेबल है, और जिसने अपने पूरे के ब्लॉगिंग के ऊपर काम किया हुआ है, मुझे लगता है एक बार चेक कर लेते हैं सर कितना दम है इनके ब्लॉग में। अगर नहीं होगा तो हम ये चूज कर सकते हैं। ओके, मैं सोर्स कोड से क्या चेक कर रहा हूँ, पीयूष सर, सचिन सर, गौरव जी, ध्यान दीजिएगा, मैं सोर्स कोड से ये चेक कर रहा हूँ कि क्या इन भाई साहब ने मेटा टैग या फिर अपने टाइटल या फिर अपने एसईओ फंडामेंटल्स पे काम किया है। अगर नहीं किया है तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी है, चाहे आप अपना ब्रांड बनाइए या अपने कस्टमर का, क्योंकि हर कस्टमर के सामने जब आप लैपटॉप खोल के बैठेंगे ना फ्रीलांसिंग करने के लिए, तो कस्टमर आपसे पूछेगा बेटा ये नाम बताओ जरा, डोमेन ही कैसा है। आपके पास कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए उसको सजेस्ट करने के लिए कि ये नाम अच्छा है या खराब है। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए और अचानक से बारिश हो गई, ज्ञान की, और आपने बता दिया नहीं अच्छा है, ऐसा नहीं होता। एक एनालिसिस की बहुत जरूरत है। सो अगर मैं चेक करूं सर, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया हुआ है, चलिए इन्होंने सिर्फ एक प्लगइन को यूज किया हुआ है, जिस प्लगइन को भी इसने बहुत अच्छे तरीके से टाइटल वाइटल नहीं दिया हुआ, तो दैट मींस ये उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। अब चेक कर लेते हैं लास्ट टाइम गूगल इनकी वेबसाइट पे आया कब है, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि रेगुलरली गूगल कब आ रहा है। तो 20 जुलाई को गूगल इनकी वेबसाइट पे आया है। मैंने आप लोगों को देखना सिखाया है, ये किसी भी साइट पे क्लिक करें, उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें, कैशे पे क्लिक करें, और 22 सेकेंड्स के लिए स्क्रीन आपके सामने रुकेगा। प्रिंट स्क्रीन बटन दबा के रखिएगा, और सामने आया स्क्रीन और मैंने इसको प्रिंट स्क्रीन जैसे किया, आपने देखा होगा 20th of July को इनकी वेबसाइट पे गूगल आया है। सो दैट मींस गूगल इनको रेगुलरली विजिट कर रहा है। चलिए सचिन सर, यू कैन गो फॉर दिस नेम, ज्यादा कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, बट आपका ये जो राइट इन साइड में जो आ रहा है ना लोकल बिजनेस मैप, इन लोकल बिजनेस मैप जब आप भी रजिस्टर करेंगे ना तो ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर इस नाम से एक ही बिजनेस है तो बहुत बड़ी लिस्टिंग दिखाई देगी, जैसे ही आप सेकेंड लिस्टिंग ऐड करेंगे ये सारी लिस्टिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये सामने देखिए जिस तरीके से देख रहे हैं आप, ये हाँ सर, कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिस्टिंग आ जाएगी। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च करूं तो ओके, देखिए ये एक से ज्यादा लिस्टिंग है कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है, क्लियर जी सर, है। जी सर। और सर, इसमें इसमें डॉट इन और डॉट नेट दो एक्सटेंशन है सर। जी सर, उससे बात कर लेते हैं। चलिए अभी के लिए अगर आप बोल रहे हैं सर योर शेफ, इस पे चलते हैं और डॉट इन डोमेन लेते हैं। सर देखिए ये जो ब्लॉग है ना, ये ब्लॉग हो सकता है यूएस में बैठा हुआ भी एक एंटरप्रेन्योर या फिर यूएस में बैठा हुआ भी एक विजिटर आपको पसंद करे, तो डू नॉट गो फॉर डॉट इन डोमेन, बिकॉज वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा सर्च इंजिन पे सिर्फ इंडिया सर्च के लिए। ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी सर डॉट इन डोमेन को इंडिया सर्च पे, बट हमारा मार्केट तो ओवरऑल पूरा वर्ल्ड है सर। इसके लिए आप डॉट कॉम या फिर डॉट नेट या फिर डॉट ऑर्ग जा सकते हैं। थर्ड वन कौन सा सर? सॉरी, थर्ड वन। सर डॉट ऑर्ग भी है, डॉट नेट भी है, ठीक है। बाकी जितने लोग सेशन में हैं, मैं बता दूं कि डॉट कॉम के लिए मैंने हमेशा रिपीट किया, पीयूष गौरव जी ध्यान दीजिएगा, डॉट कॉम एक्सटेंशन जरूरत नहीं है। इंडिया में ऐसी हालत हो गई है कि अगर आप गांव गांव में जाएंगे लोग आपसे पूछेंगे LIC कराया है, जबकि इंश्योरेंस के लिए पूछ रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं है।
डॉट कॉम हमने बचपन से देखा है, इसलिए हम डॉट कॉम रटे चले जा रहे हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एक्सटेंशन ले सकते हैं। चलिए सर, आप यू कैन गो फॉर दिस नेम सचिन सर, योर शेफ डॉट नेट है आपके पास, और दूसरा कौन सा अवेलेबिलिटी है? डॉट इन एंड डॉट नेट सर, डॉट नेट, यू कैन गो फॉर डॉट नेट, डोंट वरी। ओके सर, तो आप बुक कर सकते हैं अभी। चलिए, हमने कल एक डोमेन बुक किया था, किसका? लग्जरी स्पेयर्स डॉट कॉम डॉट क्या था सर, गौरव सर, लग्जरी स्पेयर्स डॉट लग्जरी केयर्स डॉट, गौरव सर अपना डोमेन नेम बता पाएंगे? गौरव सर सुन पा रहे हैं आप हमें? गौरव कैन यू हियर अस? आपके साउंड बहुत लो है आई बिलीव। चलिए गौरव जी, आप गौरव जी ड्राइव करें सर, नजर आगे होनी चाहिए, और हम जी बताएं सर, spares.com luxuryspares.com। Yes. चलिए, इस डोमेन में हमने कल क्या किया था, हमने डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट किया था। बाकी जितने नए लोग सेशन में हैं, मैं बता दूं डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, इसको समझने के बाद आप डीएनएस को समझ पाएंगे। डीएनएस क्या है? वी स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल, कहां से स्टार्ट करना है ये समझना है कि डोमेन कैसे बुक होता है। अभी के लिए हमने क्या किया, डोमेन बुक करने के बाद उसके डीएनएस रिकॉर्ड्स अपडेट कर दिए। कल के सेशन में अगर पीयूष सर, सचिन सर, गौरव जी अगर आपको याद होगा, हमने अपने डोमेन के डीएनएस में जाके क्या डाला है, ns1.iadmshop.com। आपको इंस्टीट्यूट एक होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं इंस्टीट्यूट के होस्टिंग पैनल में लॉगिन करता हूं और आप लोगों के सामने मैं डोमेन के लिए एक अकाउंट बनाऊंगा, देखिएगा कैसे बनाएंगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कल होके जब आप फ्रीलांसिंग करने उतरेंगे ना, तो जो काम हम आपके लिए कर रहे हैं वो आप अपने कस्टमर के लिए करेंगे, इसलिए इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं अपने पैनल में लॉगिन कर जाता हूं, उसके बाद हम इस काम को करेंगे। मैं उसके बाद स्क्रीन शेयर रिज्यूम कर दूंगा। सर ये पैनल मतलब सर्वर एक्सेस कर रहे हो क्या सर आप? जी बिल्कुल सर, हम सर्वर एक्सेस कर रहे हैं। हेमंत जी आपकी बैकग्राउंड नॉइज है, प्लीज माइक को म्यूट कर लें सर, इट फॉर अस। देखिए दो तरीके के अकाउंट हैं, ये सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, जिसको हम कहते हैं WHM पैनल। इस WHM पैनल के थ्रू हम कंट्रोल पैनल्स बनाते हैं, होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को। ये हमारे सर्वर का, Amazon सर्वर का इंटरफेस है। यहां से अभी मैं क्या करूंगा, मैं क्रिएट न्यू अकाउंट करूंगा और इसके अंदर हमने कुछ पैकेजेस बना रखे हैं। जैसे देखिए सामने IADM FPN O9 क्लाउड सॉल्यूशन, IADM FPN स्टूडेंट्स, IADM स्टूडेंट, ये कुछ पैकेजेस हमने बना रखे हैं। इस पैकेजेस में मैं अभी आपको जो असाइन करूंगा गौरव सर, वो ये वाला अकाउंट यूज करूंगा, IADM FPN IADM स्टूडेंट। सो अभी डोमेन में, यहां पे मैंने आपका डोमेन डाला लग्जरी स्पेयर्स। अब क्या हो रहा है सचिन सर, जो आपने कल क्वेश्चन पूछा था कि डोमेन को जब कोई टाइप करता है तो उसको कैसे पता लगेगा कि उसको इस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर जाना है, यहां से पता लगेगा। आप देख रहे हैं मैं जो डोमेन डाल रहा हूं, तो अब इतना तो आइडिया आप लोगों को लग गया होगा पिछले सेशन से कि एक फोल्डर क्रिएट होगा इस नाम से होस्टिंग के ऊपर। क्लियर है सर? जी सर। चलिए अभी सर मैंने यहां पे ये नेम डाल दिया, यहां पे आई बिलीव एल रह गया है, और यूजर नेम में यहां पे गौरव डाल देता हूं, पासवर्ड गौरव सर, आई विल शेयर इट विद यू। सर ये एक्टिविटीज हमें करनी है बाद में या होस्टिंग? सर ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कल होके अगर आप कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाते हैं तो कस्टमर का भी तो आपको होस्टिंग क्रिएट करना पड़ेगा ना, कब तक हम पे डिपेंडेंट रहेंगे सर? नहीं ना,
हाँ सर, तो इसलिए बस मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो पैनल आप लोगों के सामने है ये आपको होस्टिंग प्रोवाइडर देगा। ओके ओके, ठीक है, आपको होस्टिंग प्रोवाइडर को इस तरीके का पैनल दे देगा और हमें अकाउंट क्रिएट करना है। बिल्कुल सर, आपने अभी डोमेन बुक कर लिया, डोमेन में डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट कर दिया। डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने अपने होस्टिंग में आने के बाद इस डोमेन को मैं अपने होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। गौरव सर प्लीज लेट मी नो योर ईमेल एड्रेस। आपका माइक म्यूट है सर। NIK जी अंडरस्कोर जी KURAV जी KURAV 11 @yahoo.com। सर एक बार डोमेन को स्पेल चेक कर लीजिए और ईमेल एड्रेस को स्पेल चेक कर लीजिए। सर डोमेन की स्पेलिंग गलत है जी, बताएं सर क्या है। LUXURY जी, अब ठीक है सर, अभी ठीक है। हाँ जी, चलिए ठीक है। अभी सर हमने यहाँ पे कर लिया और ईमेल एड्रेस चेक कर लीजिए। NIK_gaurav11@yahoo.com ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया। अभी सर यहाँ पे हमने पैकेज चूज किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था पैकेज चूज करना है, तो यहाँ पे हमने आपका जो पैकेज है वो चूज कर लिया सर। Let's suppose IDM, FPN. ये पैकेज हमने अलग अलग बना रखे हैं, इसमें ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये बैकएंड टीम करती है और पहले से पैकेजेस बने हुए हैं, उस पैकेज को हम असाइन कर रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, इसके बाद सिंपल मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे इनका अकाउंट क्रिएट हो रहा है। चलिए सिक्योरिटी रीजन से ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दोबारा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा हमें इनका। सर एक क्वेश्चन था सर, ये पूछे सर। सर वो ये था सर, मुझे मतलब एक्सपोर्ट के लिए वेबसाइट बनानी थी, मुझे अपनी इंडिया में बनानी, मतलब अदर कंट्रीज में जाना, उसके लिए मुझे डोमेन मतलब से करना पड़ेगा कि अलग अलग मतलब। सर थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपकी साउंड थोड़ी सी क्लियर नहीं है, अब बताएं सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ एक्सपोर्ट के लिए मतलब डोमेन लेना है, मतलब अदर मेरे को मतलब इंडिया में विजिबिलिटी नहीं दिखानी, मतलब इंडिया में मेरा मतलब टारगेट ऑडियंस नहीं है, मतलब जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है टारगेट ऑडियंस है, वहाँ पे जो विजिबिलिटी प्रोसीजर अलग है कि सर यही करना। नहीं सर बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी वेबसाइट बनाएंगे टारगेट ऑडियंस कहीं का भी होगा, प्रोसेस इसी तरीके से बनेगा। वो चाहे आप कोई भी डोमेन खरीद लें, चाहे आप किसी भी पैनल से ले लें, आपका सबसे पहला स्टेप होगा डोमेन खरीदना, उसके बाद उस डोमेन के ऊपर डीएनएस रिकॉर्ड को अपडेट करना और जो तरीका मैं अपना रहा हूँ यही तरीका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सर उसमें .com और इसमें कोई मतलब कि कुछ सेपरेट में कुछ डिफरेंट आएगा? ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर .com। यस सर, बिकॉज .com लोगों को आदत है, लोग क्या करते हैं टेक्निकल पीपल वो सिर्फ डोमेन लिखते हैं एंड कंट्रोल और एंटर टाइप करते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू, अगर आप एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट नहीं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे देन गो फॉर .com। यस सर, ये मैं सर्च इंजन के बेस पे नहीं बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को .com पसंद है। यस सर, मतलब सर उनके लिए मतलब इसके पीछे कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, इसके पीछे सिर्फ टारगेट ऑडियंस को पकड़ने का रीजन है। यस सर, समझ गया। ठीक है, थैंक यू। चलिए आ गया सर, आ गया। क्या आ गया सर? अपने आप आ गया नीचे। चलिए बहुत बढ़िया सर, ये ऊपर स्पेल चेक ठीक है कर लिया आपने? luxuryspares.com सही डोमेन बुक कर रहे हैं सर? मैं डोमेन बुक नहीं कर रहा हूँ, डोमेन हम कल बुक चेक कर चुके हैं, ये मैं डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके सर, चलिए अभी हमने डाल दिया ये और इनका पासवर्ड मैंने डाल दिया है। चलिए अब मैं क्रिएट कर देता हूं, ये इनका अकाउंट क्रिएट हो रहा है। अभी देखिएगा इसके बाद मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कंट्रोल पैनल का। दुनिया के किसी भी होस्टिंग से, दुनिया के किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से जब आप होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको इसी तरीके का स्टेप होस्टिंग प्रोवाइडर करके देता है, ये आपको दिखेगा नहीं,
आप लोग को जो कंट्रोल पैनल मिलता है वो कंट्रोल पैनल इस स्टेप के बाद की चीजें मिलती हैं। सो आप लोग पहली बार ये जो देख रहे हैं ना, जिस तरीके से मैंने एक क्वेरी रन की, ये सारी की सारी क्वेरी मैंने ऑटोमेटिकली रन कर दी और अब मैंने आपके डोमेन को अपनी होस्टिंग पे ऐड कर लिया है। अब मैं आपको यूजर नेम पासवर्ड दे दूंगा आपके कंट्रोल पैनल का। कैसे दूंगा देखिएगा सर, एक क्वेश्चन है सर। जी पूछे सर, बिल्कुल पूछे। अभी आपने डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट किया, मतलब एक नेम को नेम सर्वर के साथ कनेक्ट किया जी सर, इसका यूनिक आईपी एड्रेस भी होगा ना सर? सर बिल्कुल, जो हमने ns1.iadmshop.com डाला था ना कल, वो एक तरीके का आईपी एड्रेस ही है, वो बस एक यूनिक नेम दिया गया है उस आईपी एड्रेस को। ठीक है सर, ओके ओके। तो हमने दो आईपी एड्रेसेस डाले थे, ns1 और ns2, याद है? हाँ सर। चलिए पीयूष सर, रीजन बता दें क्यों डाला था हमने दो आईपी एड्रेस सर? सर आपने बताया था कुछ होस्टिंग पे लोड ना पड़े, 40,000 कस्टमर एक साथ रीच कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो। चलिए पहला तो रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन ये है कि सर जब आप अपनी होस्टिंग पे काम करते हैं तो हो सकता है होस्टिंग प्रोवाइडर का कभी भी किसी भी सिनेरियो में सिस्टम या फिर उसका जो जो मशीन है वो करप्ट हो जाए। एक मशीन अगर करप्ट हो गई तो दूसरी मशीन पे बैकअप आपका पड़ा हुआ है तो आपकी वेबसाइट कभी डाउन नहीं होगी। इसलिए हमेशा हम दो होस्टिंग पे अपने रिपीटेशन डेटा को डालते हैं, दैट मींस डेटा कॉपी करके रेप्लिकेशन करते हैं डेटा का। ये सारी चीजें आपको कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर नहीं बताएगा, कोई भी डोमेन रीसेलर नहीं बताएगा, लेकिन आपको पता होनी जरूरी है क्योंकि क्लाइंट की जब वेबसाइट बनाएंगे तो बैकएंड में क्या हो रहा है ये सब पता होना बहुत जरूरी है। चलिए अब जब आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोडैडी से एक होस्टिंग खरीद लिया, खरीदने के बाद आपके सामने जब आप लॉग इन करेंगे, ये जो पैनल है ना इसको हम बोलते हैं कंट्रोल पैनल, आपको यही पैनल दिया जाएगा। ये जो कंट्रोल पैनल है यही पैनल आपको दिया जाएगा, दुनिया के किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग खरीद लीजिए। डोमेन हमने इसमें ऐड कर दिया है तो यहां पे अगर हम चेक करेंगे डोमेन्स के ऊपर तो देखिएगा पहले से इनका डोमेन जो है यहां पे कनेक्टेड होगा। देखिए यहां पे luxuryspace.com पहले से कनेक्टेड है। इस टाइप ऑफ होस्टिंग को कहते हैं सिंगल डोमेन होस्टिंग। अब मैंने जो गौरव सर को होस्टिंग प्रोवाइड की है वो सिंगल डोमेन होस्टिंग है। अगर गौरव सर चाहते और मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते तो मैं इनको मल्टी डोमेन होस्टिंग देता और यहां पे एक और ऑप्शन आ जाता, एड न्यू डोमेन। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना काम चलाने के लिए आपके लिए सही है। अभी चलते हैं दोबारा इस कंट्रोल पैनल पे होम पे। स्टार्टिंग से बताता हूं कंट्रोल पैनल क्या क्या होता है। इस पे फाइल मैनेजर, ये कंट्रोल पैनल का एक ऐसा मैकेनिज्म है या ऐसा टूल है जिसकी वजह से या जिसको यूज करके आप अपनी फाइल्स को देख सकते हैं। आप लोगों को अगर याद होगा हमने वर्डप्रेस के अंदर अपीयरेंस के अंदर जाके चेक किया था हमारी कौन सी फाइल्स हैं कोडेड। सो अगर यहां पे आप चेक करें फाइल मैनेजर पे जाके तो देखिएगा आपके सामने एक फोल्डर खुलेगा और इस फोल्डर के अंदर public_html, इस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है वो पूरी दुनिया को दिखेगा। तो public_html को हम डबल क्लिक करते हैं और देखिए यहां पे अभी कुछ भी नहीं रखा हुआ, दैट मींस अभी इनकी साइट ब्लैंक है। ये जो छोटा सा फोल्डर आप देख रहे हैं cgi-bin, ये ऑटोमेटिकली बनता है, इसको अगर आप डिलीट कर दें या रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिनक्स होस्टिंग जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको पहली बार ये मिलता है। दोबारा बता रहा हूं, कभी भी अपनी फाइल को अगर एक्सेस करना है डिजिटल मार्केटिंग करते टाइम बहुत बार आपको जरूरत पड़ेगी, कभी साइट मैप अपलोड करना है, कभी आपको बहुत सारी चीजें करनी है, कभी आपको रूट डायरेक्टरी में जाना है, तो आपका रूट डायरेक्टरी जो वर्ड हम बोलते हैं ना, रूट डायरेक्टरी जहां पे आपकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज है वो कहां होगा, public_html। अगर मैं आपकी वेबसाइट इस SSL वाले फोल्डर के अंदर रख दूं ना तो पूरी दुनिया उसको नहीं देख पाएगी। जो भी चीज मैं public_html फोल्डर के अंदर रखूंगा वही पूरी दुनिया देख पाएगी, दैट मींस ये फोल्डर उस पब्लिक आईपी से कनेक्टेड है। सचिन सर, पीयूष सर, अंश जी, गौरव सर, क्लियर है बिल्कुल ये? हां जी, बहुत बढ़िया। चलिए अभी मैं चलता हूं आपके कंट्रोल पैनल में दोबारा। सेकंड है इमेजेस। ये जो इमेजेस है, ये इमेजेस आपका जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी इमेजेस है वो यहां आपको दिखेंगी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है।
मेजरली इन दो चीजों को हम यूज करते हैं, एक है फाइल मैनेजर और दूसरा है वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करेंगे हम। डायरेक्टरी प्राइवेसी, ये आपकी जो डिस्क है जो IIDM ने आपको एलोकेट किया है एक होस्टिंग, उसकी प्राइवेसी फंक्शनैलिटी क्या क्या है, मतलब डेटा थेफ्ट तो नहीं होगा, ये सारी चीजें। इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे एंटीवायरस इंस्टॉल किए हुए हैं जिससे हैकिंग को स्टॉप किया जा सकता है। सो यहाँ पे बहुत सारे पेड टूल्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। डिस्क यूजेस, कितना यूजेस है आपके डिस्क के ऊपर। वेब डिस्क, ये वही फाइल मैनेजर वाली चीज है, यहाँ पे अगेन आपको वही अपना डेटाबेस दिख जाएगा पूरा। FTP अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी कस्टमर की वेबसाइट को ओन करेंगे ना, दैट मींस अंश जी जब मार्केट में आप निकलेंगे और कोई कस्टमर आपको बोलेगा कि यार पहले से मेरी वेबसाइट बनी हुई है, प्लीज इसका SEO कर दो या प्लीज इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दो, तो आपको उस कस्टमर से क्या मांगना है, सर मुझे FTP डिटेल्स दे दो या मुझे कंट्रोल पैनल डिटेल दे दो। अगर कंट्रोल पैनल डिटेल दे देगा तो आपको यही स्क्रीन दिखाई देगी, अगर वो FTP डिटेल्स देगा तो आपको एक एप्लीकेशन यूज करना है जिसका नाम है फाइलजिला। दिखा देता हूं सर, ये एप्लीकेशन है फाइलजिला, इसको हम बोलते हैं FTP एप्लीकेशन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सचिन सर प्लीज बताएं सर FTP का फुल फॉर्म क्या है। जी सर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल वर्ड है इसका मतलब रूल्स, मतलब जब फाइल ट्रांसफर हो रही होगी तो कुछ रूल्स के साथ होगी, दैट मींस कोई हैकर उसको निकाल नहीं ले। इसके एक एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, यहाँ पे हम होस्ट नेम मतलब आपकी वेबसाइट का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड डालेंगे और मैं जैसे क्विक कनेक्ट पे क्लिक करूंगा वो उस होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स की यहाँ पे होस्टिंग कनेक्टेड है, मैं आपको एक होस्टिंग में लॉग इन करके दिखाता हूं। ये देखिए मैं इस होस्टिंग के अंदर लॉग इन कर गया और यहां देखिए दोबारा वही सारी चीजें जो फाइल मैनेजर में वहां मैंने देखा था यहां पे भी दिख रहा है। देखिए पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर दिख रहा है, मैंने इसको डबल क्लिक किया और ये देखिए मेरे पास सारी की सारी इनकी PHP की फाइल्स हैं। क्लियर है गौरव सर, सचिन जी, पीयूष सर, अंश जी, क्लियर है सर? ये मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बट इसका यूज कहां पे होगा ये पता? बिल्कुल वही बता रहा हूं सर आपको। अब क्या होता है सचिन सर, लेट सपोज आप एक वेबसाइट के ओनर हैं और मैं आपके पास आता हूं और बोलता हूं कि सचिन सर आपकी वेबसाइट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन एरर है, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं है, लेट मी हैंडल इट, मुझे 5,000 रुपए महीना दे दो, आई विल डू इट फॉर यू। आप मेरी स्किल्स को देख के खुश हो जाते हो और आप मेरे को कंट्रोल पैनल नहीं देना चाहते बिकॉज आप मेरे पे बिलीव नहीं करते ना, क्योंकि हम तो पहली बार मिले, तो आप मेरे को क्या कहोगे, आप मेरे लिए एक FTP अकाउंट क्रिएट कर दोगे और बोलोगे इस अकाउंट से मेरे होस्टिंग पे कनेक्ट कर लो और जो अपडेट करना कर लो। आप मेरे को कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं दोगे, क्योंकि अगर आप कंट्रोल पैनल एक्सेस दे दोगे तो मैं आपकी पूरे की पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकता हूं, दैट मींस आपकी ईमेल एड्रेस चेक कर सकता हूं, सारी चीजें चेक कर सकता हूं, ठीक है? सो आप मुझे कंट्रोल पैनल नहीं दोगे, आप FTP अकाउंट करोगे, तो आप देने के लिए क्या करोगे, इस FTP अकाउंट पे क्लिक करोगे और FTP अकाउंट क्लिक करने के बाद यहां पे आप FTP का यूजर नेम पासवर्ड बना दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिखाता हूं, यहां पे मैंने info@luxuryspares.com करके एक लॉगिन आईडी बना दिया, पासवर्ड में मैं पासवर्ड डाल देता हूं सर, और यहां पे देखिए पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर, मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली जैसे ही इस FTP अकाउंट पे कोई क्लिक करे तो वो डायरेक्टली लॉगिन कर जाए कहां पे, पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर, उसके अलावा मैं किसी फोल्डर का एक्सेस नहीं देना चाहता, ठीक है सचिन सर? यहां देखिए फोल्डर सेट दिख रहा है आपको और मैंने यहां पे क्रिएट FTP अकाउंट कर दिया। अब देखिए मैंने क्रिएट FTP अकाउंट कर दिया और जब कोई कस्टमर मेरे से मांगेगा डिटेल्स तो ये देखिए यूजर नेम पासवर्ड दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? जी सर। अब इस यूजर नेम पासवर्ड को यूज करके मैं किसी भी वेबसाइट डेवलपर को बोलूंगा कि भैया ये लो FTP क्रेडेंशियल्स और मेरे होस्टिंग में आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? ओके। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यूजर नेम लेके इस फाइलजिला एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा और यहां पे कनेक्ट करूंगा। मैं कनेक्ट करके दिखाता हूं और मेरे को वही वाला फोल्डर दिख जाएगा सर। देखिए यूजर नेम है मेरा ये। सर ये ऑनलाइन टूल है या आपने इंस्टॉल किया? सर नहीं, ये इंस्टॉल है, ये विंडोज टूल है सर। ओके। और होस्ट नेम ये रहा सर और पासवर्ड जो मैंने डाला था और पोर्ट नंबर 21 और यहां देखिए मैं इसको क्विक कनेक्ट करता हूं।
देख रहे हैं सर आपके सामने ये सीजीआई डैश बिन करके फोल्डर था, आ गया सर यही फोल्डर। अब लेट सपोज मैं इस फोल्डर के अंदर अपना कुछ पेज अपलोड करना चाहता हूं, तो मैं यहां से सीधा इस पेज को, जैसे लेट सपोज मैं इस फोल्डर को यहां पे अपडेट करना चाहता हूं, मैंने यहां पे किया और अपलोड कर दिया। देखिए ये उठ के यहां पे होस्टिंग आ गया, ये है मेरा लोकल, लेफ्ट हैंड साइड इज माय लोकल मशीन एंड राइट हैंड साइड इज माय होस्टिंग। देखिए अपलोड हो रहा है, ये देखिए अपलोड हो गया, इस जगह पे आ गया। इसको दिखाने के लिए मैं जाता हूं, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, मैं सिंपल जाता हूं सर आपके होम में और मैं चेक करने के लिए कि अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, यहां पे फाइल मैनेजर में जाता हूं। देखिएगा अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर देखिए एवी फोटो डॉट जेपैक अपलोड हो गया सचिन सर। जी सर, लॉजिक समझ आया ना कि कंट्रोल पैनल और एफटीपी में क्या डिफरेंस है और क्यों हम एफटीपी देते हैं कंट्रोल पैनल देते हैं। बट सर ये एफटीपी यूज करके हमें डिजाइन वगैरह कुछ मतलब नहीं सर, ये एफटीपी सिर्फ होस्टिंग में अपनी फाइल्स चेक करने के लिए, एसईओ के दौरान जो भी हम एसईओ करेंगे ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके दौरान बहुत सारे ऐसी टेक्निकल चीजें आएंगी जिसको यूज करके आप होस्टिंग में बहुत सारी चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ओके ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए आपने सीखा नहीं है बट मैं वर्ड बता दूं, sitemap.xml ये आपको अपलोड करना पड़ेगा आपकी होस्टिंग में। तो या तो आपके पास एक्सेस होना चाहिए आपके एफटीपी अकाउंट क्रेडेंशियल्स का, नहीं तो एक्सेस होना चाहिए कंट्रोल पैनल का, सो दैट आप फाइल मैनेजर में जाके अपलोड कर दो। क्लियर है सर? जी सर। और सर ये जो आपने अभी होस्टिंग किया इसका टोटल साइज कितना है सर? सर इस होस्टिंग का साइज अभी आप लोगों के लिए हम लोगों ने अनलिमिटेड रखा हुआ है, जितना यूज करना है कीजिए सर इस चीज को। ओके, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है सर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया की वेबसाइट उसमें डाल देंगे तो सर फिर हमारी बैंडविड्थ थोड़ी कम हो जाएगी, है ना? तो ध्यान से नहीं सर। चलिए अभी क्या होता है, अभी यहां पे मैं आपकी जो होस्टिंग है अभी के लिए, अगर इनका डोमेन हम एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, इस डोमेन को चेक कर लेते हैं, वैसे 72 आवर्स मैक्सिमम टाइम लगता है बट अभी के लिए यहां पे इनका डोमेन हमारे साथ कनेक्टेड हो गया है। जब ये सर्विस अनअवेलेबल आपके पास आए ना तो समझिएगा कि आपका जो डोमेन है वो कनेक्ट हो चुका है होस्टिंग से, बट बस उसको टाइम चाहिए कॉन्फ़िगरेशन अपने एंड पे करने के लिए, तो बैक एंड में ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है और ऑटोमेटिकली साइट लाइव हो जाएगी। इस बीच में मैं टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं यहां पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूं, देखिएगा कैसे करूंगा मैं। अब अभी तो मैं गौरव सर का आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, इसके बाद जब आप लोग हमें डोमेन देंगे अपना जो आपका व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप है, जब उस पर आप अपने डोमेन को डाल देंगे तो आपको अपने डोमेन के डीएनएस रिकॉर्ड में जाके क्या डालना है पीयूष सर? ns1.iadmshop.com ns2.iadmshop.com। क्लियर है सर? चलिए जब ये काम हो जाएगा उसके बाद हम आपको एक यूजर नेम पासवर्ड देंगे इस कंट्रोल पैनल में लॉगिन करने के लिए, और आपके सामने सेम यही स्क्रीन खुली हुई होगी। ठीक है अंश? चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, वर्डप्रेस। अब देखिए आपकी होस्टिंग बिल्कुल ब्लैंक है, हमने आपको लिनक्स होस्टिंग दे दी, अब आपको होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा ना सचिन सर? सर एक क्वेश्चन है सर। जी पूछे सर। सर आपने अभी बताया कि आप यूजर नेम और पासवर्ड दोगे मतलब कंट्रोल पैनल में लॉग इन करने के लिए। जी बट सर इफ आई एम करेक्ट ये हम भी कर सकते हैं ना सर, यूजर आईडी एंड पासवर्ड? सर जो स्टेप मैंने आपको इस पैनल पे लॉग इन करने से पहले दिखाया था ना, वो कोई भी और होस्टिंग प्रोवाइडर नहीं दिखाता, वो सारी चीजें हम एज अ होस्टिंग प्रोवाइडर करते हैं और आपको सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड और लिंक दे देते हैं जहां लॉग इन करना है। क्लियर है सर? ओके, तो वो स्टेप हमें परफॉर्म नहीं करनी है सर? नहीं सर, वो स्टेप आपको परफॉर्म नहीं करनी है, वो सिर्फ मैं बैकहेंड आपको समझा रहा था कि बैकहेंड में होता क्या है। ओके, गॉट इट। ठीक है, आप यहां से काम स्टार्ट करेंगे, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं। ओके सर, इसके बाद यहां पे आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉलर मिलेगा जिसको हम कहते हैं सैपसिस ऐप इंस्टॉलर, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वर्डप्रेस का साइन दिखाई देगा, अभी तक मेरे ख्याल से आप लोग बहुत फेमिलियर हो चुके होंगे इस साइन से, है ना? सो वर्डप्रेस में देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है, यहां देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, अब देखिएगा कितनी मजेदार तरीके से काम होगा और सारी दिमाग की नसें खुल जाएंगी जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। यहां देखिए हमने क्या किया, HTTPS कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग जब आपको देते हैं होस्टिंग तो हम SSL सिक्योरिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं,
आपकी वेबसाइट SSL सिक्योर्ड होगी गौरव सर। यहां पे मैं डायरेक्टरी देखिएगा, जब मैंने पहली बार वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो वहां पे मैंने hkoswal.com/sachin डाला था ना, पीयूष डाला था, गौरव डाला था, याद है सचिन सर? अंश जी याद है? जी सर। सर तो यहां तो अब मेन डोमेन पे काम चलेगा ना, तो इसके लिए हमें किसी डायरेक्टरी की जरूरत नहीं है। इस डायरेक्टरी सिस्टम को ब्लैंक कर दीजिएगा और यहां पे आपकी साइट का नेम और डिस्क्रिप्शन, ये कस्टमाइजेशन में ऑप्शन मिलता था याद है, इसके नीचे आता हूं। ये देखिए जो यूजर नेम और पासवर्ड सतीश जी ने आप लोगों को दिया था सर, ये वही कॉन्फिगर हो रहा है। अब यहां पे देखिए यूजर नेम एडमिन डाल दिया, पासवर्ड ये मैंने पासवर्ड डाल दिया और मैं सिंपल यहां पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूं। ये देखिए अब ये इंस्टॉल हो रहा है और इनका चलिए यहां पे एक HTTPS फाइल है, इसको जरा हम हटा दें। लग्जरी स्पेस कर दिया हमने और हमने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। ये इनका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। अब मैं दिखाता हूं सर वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल होगा और बैकहेंड में आपकी सारी फाइल्स वर्डप्रेस की देखिएगा, जो भी आज तक हम देख रहे थे, देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। और देखिए सचिन सर वही सेम लिंक आ गया ना, luxuryspace.com/wp-admin आ गया सर। जी सर। अब लॉजिक क्लियर हुआ सचिन सर, पीयूष जी, अंश जी, लॉजिक क्लियर हुआ कैसे गए? ये जो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलता था hkoswal.com/sachin7010 वो कैसे मिलता था? अभी ये इमीडिएट एक्टिवेट नहीं होगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बट चलिए ये एक्टिवेट हो गया क्योंकि पहले से हमने उस पर कनेक्ट किया हुआ था। देखिए आप luxuryspace.com पे अगर आप जाएं तो देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, जिस तरीके से आपको hkoswal मिला था सेम उसी तरीके से यहां पे देखिए आपके सामने वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, ये इनकी वेबसाइट आ चुकी है। क्लियर है सर? जी सर। गौरव सर और आपकी वेबसाइट पे जो अभी तक आप पे कर रहे थे SSL के लिए गौरव सर, है ना? हाँ जी। तो अभी आप SSL के लिए कुछ पे नहीं करेंगे सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ होस्टिंग प्रोवाइडर हम दे सकते हैं, लेकिन अगर हम पैसा लेने लगे तो हम 12,000-13,000 चार्ज कर सकते हैं आपसे, जो कि आप मार्केट में दे रहे थे, है ना? तो इसका कोई कॉस्ट नहीं देना होता किसी होस्टिंग प्रोवाइडर को। सर स्टार्टिंग में अगर SSL सिक्योरिटी नहीं भी लगाएं तो कोई फर्क सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखिए मैंने आपको उस दिन भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि SSL सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझिए। कभी कोई आदमी अगर आपको बोले ना ये चीज कि SSL सिक्योरिटी जो है ये आपकी वेबसाइट पे होनी ही चाहिए, उसको समझा दीजिएगा, और ज्यादा समझ नहीं आए तो सेशन में पकड़ के ले आइएगा, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है सर। तो सर अभी देखिए SSL सिक्योरिटी समझनी चाहिए क्यों है, मतलब बिना बात के किसी ने ब्लॉग पे लिख दिया कि SSL सिक्योर रखोगे तो वेबसाइट अच्छी होगी, कोई तुक तो होना चाहिए, कोई रीजन तो होना चाहिए उसके पीछे। अभी सर देखिए इनकी वर्डप्रेस वेबसाइट बन गई, अब इसके बाद आपके पास गौरव सर यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा आपको, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा और आपको ईमेल भी अभी तक आ चुका होगा, तो ये आपकी वेबसाइट रेडी है सर, आपको SSL सिक्योर्ड वेबसाइट मिल गई है। अब आप सारे लोग अपने अपने डोमेन्स को बनाइए और बनाने के बाद हम इसी तरीके से आपका पूरा वर्डप्रेस पैनल स्टार्ट कर देंगे। तेरे कोई कंफ्यूजन? हेमंत सर कुछ समझ आया क्या यहाँ पे? थोड़ा बहुत। चलिए बहुत बढ़िया सर, पहले दिन था तो अगर थोड़ा भी समझ आया तो काफी अच्छा है सर। और हम इसी तरीके से सारे प्रैक्टिकल सेशन लेके चलते हैं सर, ये जो सेशन हो रहा है ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन है, इस बाद आपको आपका एक सपोर्ट ग्रुप होता है जिसके ऊपर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। यस सर। चलिए कोई क्वेश्चन हेमंत जी यहाँ तक? नहीं सर, क्वेश्चन सर बस इतना ही है कि सर मतलब वर्डप्रेस सर ये डायनामिक, मतलब ये वेबसाइट डायनामिक नहीं होगी ना सर जो आपने ये वर्डप्रेस में बनाया है? सर डायनेमिक का मतलब क्या समझते हैं सर? मतलब कि सर उसमें मतलब ज्यादा फंक्शंस कर सके, मतलब वीडियोस और ये सब भी डाल सके सर। डायनेमिक थिंग्स सर, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस सर 100% आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो सर मतलब उसमें सर मतलब कि डिफरेंस क्या है सर दोनों में, मतलब
चलिए मैं आपको एक वर्डप्रेस वेबसाइट दिखा देता हूँ। मैं आपको कुछ ज्यादा हाई क्लास वेबसाइट नहीं दिखाता हूँ, एक वेबसाइट दिखा देता हूँ जो मैं हमेशा सेशन में दिखाता रहता हूँ, क्योंकि इस बच्चे ने बड़ा अच्छा काम किया था। सो वर्डप्रेस के अंदर आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है हेमंत जी। यस सर, यस सर। आपको सिर्फ प्लगइन के बेस पे आप काम कर सकते हैं, आपको कुछ कोड्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ये सामने आप वेबसाइट देख रहे हैं। यस सर। इसको डायनेमिक कहेंगे स्टैटिक कहेंगे? सर मैं क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे प्रॉपरली, सारे फंक्शन आ रहे हैं। सर क्या ये डायनेमिक है स्टैटिक है आपकी परिभाषा में? सर डायनेमिक लग रही है। चलिए सर ये बहुत ब्रिलियंट वेबसाइट है और सही में डायनेमिक वेबसाइट है। सब कुछ डेटाबेस से उठ के आ रहा है। डायनेमिक का मतलब है जो भी चीजें डेटाबेस से उठ के आए। यस सर। तो वर्डप्रेस में आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस में बनाई हुई वेबसाइट है सर, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 घंटे में ये वेबसाइट इस तरीके की बन जाती है। चलिए अब मैं सेशन पे रहता हूं। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? गौरव सर कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप धीरे धीरे स्टार्ट करें काम। सर डोमेन स्टार्ट हो चुका है, डोमेन बन चुका है। ठीक है सर, थीम इंस्टॉल करते हैं आज। जी बिल्कुल, थीम इंस्टॉल कर लीजिए। और सचिन सर आपका डोमेन नेम पे कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अंश जी कुछ डिसाइड किया सर? सर मैं सोच रहा हूँ अभी ब्लॉगिंग से स्टार्टिंग करूँ। सर बिल्कुल जरूरी है, ब्लॉगिंग से स्टार्ट कीजिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर जब ब्लॉगिंग से स्टार्ट करेंगे ना तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे कि एसईओ में क्या क्या चीजें करनी है। यस सर। है ना? और हो सकता है अंश जी जब आपकी ब्लॉग्स अच्छे चलने लग जाएंगे तो आप जब मार्केट में निकलेंगे ना प्रोजेक्ट लेने के लिए तो उनको आप दिखाएंगे भी ना, सर ये देखो हमारी एक लाइव वेबसाइट है। कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना प्रोजेक्ट लेने के लिए। यस सर। तो वो जरूरी है सर, वही चीजें आप दिखा सकते हैं। पीयूष सर आप भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं सर? जी सर। सर तो कोई भी एक वेबसाइट पकड़ लें, अगर आपकी वेबसाइट नहीं समझ आए तो किसी कस्टमर की वेबसाइट पकड़ लीजिए, अपने आसपास किसी भी भैया भैया को पकड़िए। सर आप उस दिन बता रहे थे सर कुछ फोन पे जो हमने बात की थी, आप बता रहे थे शायद आपके कोई बड़े ब्रदर हैं सर। जी सर। जी तो सर वो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो क्या सर वो डिजिटल मार्केटिंग में ही है? सॉरी सर डिजिटल मार्केटिंग। सर तो आप किसी कस्टमर की वेबसाइट पकड़ लीजिए, आपके सीखने के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपनी नहीं बनाना चाहते लेकिन अगर सर अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। या फिर आप एजेंसी की वेबसाइट बना लो ना, आप अपने खुद में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनो ना सर। हाँ सर मैंने सोचा है सर। आप खुद में बनो सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। चलिए सो अब थोड़ा सा जब हम वर्डप्रेस के अंदर थीम इंस्टॉल कर लेंगे, कर लेने के बाद आप सबको एक चीज पता है, जब तक वेबसाइट लाइव नहीं हो अच्छे तरीके से तब तक सचिन सर पीयूष जी गौरव सर अंश जी तब तक आप लोगों को सेटिंग के अंदर जाके याद है नो इंडेक्सिंग डालना है वहां पे। नो इंडेक्सिंग मतलब गूगल ढूंढ नहीं पाए आपको, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पे अभी कुछ भी डालेंगे तो इसलिए अभी कैश नहीं करवाइएगा। इसके लिए क्या करना है, डैशबोर्ड में जाइएगा और सेटिंग में जाने के बाद यहां पे रीडिंग के अंदर जाइएगा और जाने के बाद रीडिंग में जाइए और रीडिंग में यहां पे डिस्करेज सर्च इंजिन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस वेबसाइट, इस पे क्लिक कर दीजिएगा एंड सेव चेंजेस। जब आपकी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसको जाके अनचेक कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा, सो दैट सर्च इंजिन आपको सर्च करना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। सो हम सेशन को यहीं तक रखते हैं आज। और कोई क्वेश्चन है सचिन सर आपका? पीयूष जी कोई क्वेश्चन है? जी सर। जी बताएं। सर पहला क्वेश्चन ये है कि जो जो भी मतलब कुछ वेबसाइट्स है जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स है वो अपनी APIs प्रोवाइड करती है सर, मतलब जो अभी आपने वेबसाइट दिखाई जी, दिस इज एन एग्जांपल जी, तो सर ये API कैसे ढूंढे या कैसे रिक्वेस्ट करें उनको कि हमें ये API चाहिए? चलिए फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, फॉर एग्जांपल सर मैं चाहता हूं कि Amazon पे जो प्रोडक्ट बिक रहा है उस प्रोडक्ट के लिए मैं एज ए एफिलिएट मार्केटिंग काम करूं।
ठीक है, जैसे अगर Amazon से अगर सचिन सर को मोबाइल खरीदना है तो अगर सचिन सर मेरे लिंक के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मोबाइल खरीदेंगे तो मेरे को कुछ कमीशन मिलेगा? बिल्कुल सर। अब सर क्या होगा कि आप Amazon की वेबसाइट से जाके एफिलिएट मार्केटिंग लिंक कैसे बनाते हैं, छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ सो दैट एपीआई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, और फिर एपीआई कैसे कॉल करनी है और रिक्वेस्ट कैसे करनी है ये भी समझा देता हूँ। एपीआई का बेसिक फंक्शनैलिटी तो आपको पता है ना सर क्या होता है? यस सर। एपीआई का मतलब दो सॉफ्टवेयर आपस में बात कर रहे हैं ना? यस सर। चलिए मैं एक नया अकाउंट बना लेता हूँ सर, कोई बात नहीं, इसमें बहुत थोड़ा सा टाइम है। इसमें क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट सर, यहाँ पे आप यूजर नेम डालिए अपना, लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ सर। Amazon ने कहा इतनी बार साइन अप कर रहे हो, ये बंदा ही गलत लग रहा है। चलिए सर इसमें कुछ करना नहीं है, मेरे पास अभी यूजर नेम पासवर्ड इसका मिल नहीं रहा है मुझे, बट इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ अपनी वेबसाइट में जाने के बाद Amazon में जब आप जाएंगे ना, इस पैनल में आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद आपको सिंपल किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे सर्च बार देख रहे हैं टॉप में आप, यहाँ पे आपको किसी भी प्रोडक्ट को ढूंढना है, प्रोडक्ट का नाम ढूंढने के बाद वहां पे गेट लिंक का ऑप्शन होगा, उस लिंक पे सिंपल क्लिक करेंगे और आपको वो लिंक मिल जाएगा जो आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं या फिर किसी बंदे को व्हाट्सएप या फेसबुक पे सेंड कर सकते हैं और उस लिंक के थ्रू वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको आपको कमीशन मिल जाएगा उसका। अब एपीआई कैसे रिक्वेस्ट करना है, जब आप Amazon के अंदर लॉग इन करते हैं एफिलिएट अकाउंट के अंदर तो वहीं पे ऊपर टॉप में एपीआई का ऑप्शन होता है, वहां पे एपीआई पे क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट एपीआई क्लिक करेंगे तो आपको एपीआई का यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। उस एपीआई यूजर नेम पासवर्ड को मैं एक बार चेक कर लेता हूं सर, यहां पे अगर मैं लॉग इन कर पाया तो मुझे समय दीजिए। मैं मेरे क्रेडेंशियल डाल सकता हूं क्या, अगर लॉगिन करना है तो आपको? सर मैं अपने एंड पे नहीं डाल पाऊंगा सर आपकी क्रेडेंशियल, तो चलिए मैं दिखा देता हूं सर। यहां पे सामने देखिए, यहां पर मैंने उस अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है foil.in पे, और यहां पे देखिए सर मैं इसके ऊपर जाता हूं एफिलिएट टैग के ऊपर, ये एक तरीके का प्लगइन है, इसके अंदर मैं जाता हूं।
और यहाँ देखिए एपीआई, जो मेरे को अमेजोन ने एपीआई यूजर नेम पासवर्ड दिया, उस यूजर नेम पासवर्ड को मैंने सिंपल यहाँ पे डाल दिया। लेट सपोज इतने सारे ये ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे सिंपल फ्लिपकार्ट के ऊपर गया और जो भी फ्लिपकार्ट ने मुझे यूजर नेम पासवर्ड दिया एपीआई का, वो एपीआई के यूजर नेम क्रेडेंशियल्स मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। देखिए सामने दिख रहा है आपको, ये एफिलिएट लिंक मैंने दिया, यहीं पे आपको वो एपीआई का लिंक उठा के डालना है और ऑटोमेटिकली, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट इसका फायदा दिखा देता हूँ सर। मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पे गया, एड न्यू पे प्रोडक्ट पे जाता हूँ और देखिएगा ऑटोमेटिकली मैं जैसे ही ये एपीआई का फायदा क्या होगा, मुझे कोई प्रोडक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं। अभी जो वेबसाइट में आपको दिखा रहा था हेमंत जी, बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी जो आपको वेबसाइट में दिखा रहा था, उस वेबसाइट में अगर मुझे कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एपीआई मैंने इसमें कनेक्ट की हुई है, यहाँ पे सिंपल मैं प्रोडक्ट का नाम कुछ भी डाल देता हूँ और देखिएगा मैं नीचे जाता हूँ और नीचे जाने के बाद यहाँ पे लेट सपोज मैंने यूट्यूब की भी एपीआई की हुई है, तो यहाँ पे लेट सपोज मैं डालता हूँ सैमसंग और मैंने सर्च किया, देखिए मेरे को यूट्यूब के वीडियोस दिख जाएंगे जो सैमसंग फोन से रिलेटेड है, देख रहे हैं, मैंने कुछ सर्च नहीं किया ना, यही मजा है एपीआई का। जैसे अगर मैं अली एक्सप्रेस पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फोन, देखिए मेरे को जितने भी फोन के नाम से वहां पे डेटा दिखेगा वो सारी चीजें वहां दिख जाएंगी। मुझे कुछ सर्च करने या कुछ पोस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ से डेटा ढूंढा, उसको सेलेक्ट किया, देखिए जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट किया, इस वीडियो को सेलेक्ट किया और जब मैं पोस्ट बनाऊंगा तो मेरी जो पोस्ट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। सर इसके लिए एफिलिएट अकाउंट जरूरी है? सर 100% एफिलिएट अकाउंट जरूरी है, बिना एफिलिएट अकाउंट के सर अमेज़न को कैसे पता लगेगा कि आपने जो प्रोडक्ट किसी को सजेस्ट किया है वो किसने सजेस्ट किया है, और सर, है ना? अकाउंट बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है सर? मतलब सर उसके लिए एफिलिएट क्लास में बात करेंगे सर। okay. उसके लिए कुछ भी नहीं करना है सर, सिंपल amazon.com पे जाइए, वहां पे सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्टार्ट सेलिंग विद अस का ऑप्शन आएगा एफिलिएट लिंक का, क्लिक कीजिएगा और जैसे अभी मैं अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा था ना, बस वही करना और कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है, सारी चीजें डालनी है। ओके ठीक है, जब हम एफिलिएट पे बात करेंगे तब इस चीज की बात करेंगे। चलिए मैं सेशन को यहीं तक रखता हूँ, आप लोग अगर चाहें तो आपस में जरूर बात कर सकते हैं, डिस्कशन जारी रखिएगा। गौरव सर आपके यूजर नेम क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे, कल के सेशन से पहले प्लीज डोमेन को बुक कर लीजिएगा सो दैट हम आपके अकाउंट गौरव सर। ठीक है सर, चलिए थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन गाइस। हेमंत जी अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज सतीश जी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द सेशन, कब टाइमिंग है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीजें वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन गाइस, गुड नाइट, जय हिंद, जय हिंद।